दोस्तों हमारी बॉडी में 60% से भी ज्यादा पानी होता है, इसलिए उसके स्वस्थ रहने के लिए पानी बेहद जरूरी है। लेकिन अगर वही पानी गलत वक्त गलत तरीके से पिया जाए तो वो बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे कि डाइजेशन का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम्स, बाल झड़ना, सुस्ती, किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स। दुख की बात तो ये है कि आजकल के समय में 99% से भी ज्यादा लोग पानी गलत ढंग से पीते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के फायदे लेने के बजाय जाने अनजाने अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है पानी पीने का सही तरीका, तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बिना पानी हम खाने में से न्यूट्रिएंट्स तक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मगर पानी इतना जरूरी और फायदेमंद है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जब चाहें जैसे चाहें पी लें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 5 रीजंस कि आप पानी को गलत ढंग से पी रहे हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पानी को कब, कितना और कैसे पिया जाए ताकि वो आपको फायदा पहुंचाए, नुकसान नहीं। शुरू करते हैं नंबर 5 से, पानी को खाने से पहले और खाने के बाद पीना। खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीना बहुत लोगों की आदत होती है, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता होता कि ये कितना नुकसान करता है। आयुर्वेद में इसे जहर के बराबर कहा गया है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके, लेकिन वही जब हम खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट के रस पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता और जब खाना पचता नहीं वो सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना तो दूर, बल्कि गैस, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। यही कारण है जब आपने लोगों से सुना होगा कि मैं खाना तो बहुत खाता हूँ लेकिन मेरी बॉडी नहीं बनती, मैं तो खूब पानी पीता हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके खाने के बाद पानी ना पिए। एक बड़ा आसान सा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं खाना खाने के बाद कुल्ला कर लेता हूँ, इससे बड़ी हेल्प मिलती है। नंबर 4, पानी को तेजी से पीना। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। आपको ये बात जानकर शायद बहुत हैरानी हो कि पानी जिस तरह से बॉडी में गया उससे बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बहुत तेजी से पानी पियेंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और किसी तरीके बाहर फेंक देती है, और आप ये कभी नहीं चाहेंगे। इसके अलावा हमारा पेट होता है एसिडिक और सलाइवा होता है बेसिक, जो कि स्टमक एसिड को स्टेबलाइज करता है। लेकिन जब हम एक बार में बहुत ज्यादा पानी गटक लेते हैं तो सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता और हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है। ये वही सिचुएशन है जब लोगों का बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद भी वेट घटता नहीं, बढ़ने लगता। इसीलिए कहते हैं कि पानी को धीरे धीरे सिप करके पिए ताकि सलाइवा उससे मिक्स होकर जाए। शुरू में बड़े मुंह वाली बॉटल्स को अवॉइड करें और ग्लास या सिपर से पानी पिए। नंबर 3, फ्रिज का ठंडा पानी पीना। दोस्तों, क्या आप भी ऑफिस से वापस आकर सीधा फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पीने लगते हैं? अगर हाँ तो शायद आप इसके नुकसान नहीं जानते। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से गला तो खराब हो ही सकता है, इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन को भी ठप कर देता है। ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है, खाने में से फैट्स को सॉलिडिफाई कर देता है, जिस वजह से इनडाइजेशन होती है। ठंडा पानी पीने का एक और बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जॉइंट पेन्स, ये हार्ट रेट को भी धीमा करता है। वैसे तो गुनगुना पानी पीना बेस्ट होता है, लेकिन इतनी गर्मी में कौन पिए, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी के घड़े का पानी पिए। एक तो वो नेचुरली पानी को ठंडा करता है और ऊपर से पानी के पीएच को भी मेंटेन रखता है। नंबर 2, बहुत ज्यादा पानी पीना। मैंने देखा है और शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बस पूरे दिन पानी पीते रहते हैं, चाहे प्यास ना भी लगे, क्योंकि शायद किसी ने उनसे कह दिया है कि जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना फायदा होगा। ये सही है कि बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस पूरे दिन पानी पीते रहे। अमृत भी अधिकता में विष बन जाता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा पानी पीने से बॉडी के फ्लूइड्स पतले होने लगते हैं और सेल्स में पानी भरने लगता है, और यही अगर ब्रेन के सेल्स में पानी भर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पानी बस उतना ही पिए जितनी प्यास हो। येलोइश यूरिन और फटे होंठ कुछ साइंस हैं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीना। आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि आराम से बैठकर पानी पीना तो दूर, बल्कि भागते भागते भी पानी पीने लगते हैं। ये बहुत गलत है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनी सही से पानी को फिल्टर नहीं कर पाती, और अगर किडनी वेस्ट को फिल्टर कर सही से बाहर ना फेंक पाए तो उससे बॉडी में 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खड़े होकर पानी पीने से बॉडी का फ्लूइड बैलेंस भी बिगड़ता है, जिससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके बैठकर आराम से पानी पिए। तो दोस्तों, ये थी वो कॉमन गलतियां जो हम पानी पीते हुए जाने अनजाने करते हैं।
अब जानते हैं कि पानी को कब, कैसे, कितना और किस बर्तन में पीना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा फायदा मिले। कब पानी पिएं? जब भी आपका कुछ पीने का मन करे पानी पिएं। और एक वक्त जब पानी जरूर पीना चाहिए वो है सुबह उठते ही। दोस्तों हमने पहले भी बात की थी कि कैसे जब सलाइवा पानी में मिक्स होकर पेट में जाता है तो डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह मुंह की पहली लार सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए रोज सुबह उठकर ब्रश करने से पहले पानी पिएं। दूसरा, पानी को 2 मील्स के बीच में पिएं, ना कि खाने के साथ। खाने के 1 घंटे बाद तक और 30 मिनट पहले तक पानी ना पिएं। कितना पानी पिएं? दोस्तों किसी इंसान को कितना पानी पीना चाहिए ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि बॉडी टाइप, वेट, डेली रूटीन, क्लाइमेट एक्सेट्रा। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें पानी फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी मिलता है, इसीलिए कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी बताना सही नहीं होगा। आमतौर पे 2.5 से 3 लीटर एक दिन में काफी होता है। किस बर्तन में पानी पिएं? पानी तो वैसे किसी भी बर्तन में पिया जा सकता, हालांकि अगर आप तांबे के बर्तन में रखा बासी पानी पिएंगे तो उसके फायदे लाजवाब हैं। इसीलिए तांबे के बर्तन में रात को पानी भरकर अपने पास एक लकड़ी के शेल्फ पे रखकर सोएं और सुबह उठकर उसको पिएं। इस कॉपर चार्ज्ड वाटर को किसी भी और मेटल कंटेनर में मत डालें। आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखा बासी पानी को अमृत के समान कहा गया है। 3 महीने के लिए लगातार पिएं और फिर 1 महीने के लिए बंद करते हैं, बहुत फायदा होगा। दोस्तों पानी कुदरत का एक वरदान है, ये लाखों बीमारियों की दवा है, बस हमें इसे ठीक ढंग से पीना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट डेली पोस्ट डालता रहता हूँ। माई नेम इज विवेक एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।